राम तुझसे दूर नहीं सदा साथ तेरे होंगे प्रकट दूर अगर मन के हो अंधेरे। राम हमसे दूर चले जाते हैं जब हम मन के अंधेरे में रहने लगते हैं, लेकिन भगवान तो हमारे साथ हमेशा है ही है। भगवान से हमारा वियोग नहीं है, केवल भगवान से हमारा योग ही है। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इस शुभ अवसर पर आप सब लोग परम पूजनीय तारा माता जी के दर्शन सुखा आनंद लाभ उठा रहे हैं। यह जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव इसके लिए मनाया जाता है कि जो आनंद हम इस दिन प्राप्त करते हैं वो आनंद हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहे। माता जी तो केवल हमें आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। उनका अवतरित हुआ है केवल हमें आनंद प्रदान करने के लिए। लेकिन अपने मन के अंधेरे के कारण हम उनसे दूर होने लगते हैं। माता जी तो हमेशा कहा करते हैं प्रेम ही भगवान है, गॉड इज लव। उस प्रेम का अनुभव हमारे अंदर पाना है और उस प्रेम को आपस में सभी लोगों के साथ दर्शाना भी है। प्रेम ही परमात्मा है। श्री कृष्ण भगवान भी गीता में बताते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है और सब में देखता है। सब जगह देखना और सब में देखना, अगर माता जी को हम सर्वत्र सब जगह देखने लगेंगे और सब में भी देखने लगेंगे, किसी प्रकार का भेदभाव तो रहेगा ही नहीं। भेदभाव के बिना एक साथ हम प्रेम प्यार से जुड़े रह सकते हैं। अपनी अनेक मन के विकारों को दूर करके मन में किंचित मात्र भी किसी प्रकार का क्लेश आने नहीं देनी चाहिए। यह एक बड़ी साधना होती है। तस्याहम न प्रणश्यामि, अगर हम अपना मन भगवान से जुड़ जाएगा तो भगवान हमसे दूर नहीं हो सकते हैं। भगवान हमारे साथ रहेंगे, उनका दर्शन भी हमेशा हमें होते ही रहेगा।
भगवान सदैव हमारे को दर्शन देते रहेंगे। भगवान जब भी हमारा बन जाता है तो हम भगवान के हो जाते हैं और भगवान भी हमसे छिप नहीं सकते। भगवान छिप नहीं सकते क्योंकि हम भगवान को सब जगह में देखते हैं, माता जी को हम सब जगह में देखते हैं, तो माता जी भी आपके साथ हमेशा ही है, आपको देखते रहेंगे, उनके लिए भी छिपने के लिए जगह ही नहीं रह जाएगी। तो इस मन के अंधेरे को दूर करना चाहिए। हम पहले पहले भगवान माता जी कई दूर रहते थे, अभी माता जी हमारे पास आ गए हैं और माता जी हमारे बन गए हैं। हम अभी माता जी को सब जगह में देखने लग गए हैं। तो इस नजदीकी किस प्रकार आई हुई है, क्यों इस दरबार में हम लोग आए हुए हैं, कई जन्मों के अच्छे संस्कार के कारण ही हम लोग इस दरबार में प्रवेश किए हैं। मां की इच्छा के बिना इस दरबार में कोई आ ही नहीं सकता। जो गलती से भी आ गया होगा उसको भी माता जी अपने पास ले लेंगे और अपने गले से लगाएंगे। तो डिस्टेंस इज ओनली ए रिलेटिव टर्म। हम कहीं दूर हो ही नहीं सकते हैं जब भगवान हमारे साथ है, तो हमेशा हम लोग महसूस करना चाहिए कि माता जी हमेशा हमारे साथ है। कर्मयोग में भगवान तो दूर से ही दिखते हैं, अपनापन नहीं आता है उनको, लेकिन ज्ञान योग में भगवान का अपनापन होता है, भगवान को देखते हो, भगवान को अपनाते हो, लेकिन भक्ति योग में तो वे तो भगवान को सब में ही देखते हैं और खुद को भी भगवान समझते हैं और सभी में भी ईश्वर का ही ध्यान उनमें रहता है। लेकिन हमारे में किसी प्रकार की छल कपट, चोरी छुपी, मनमानी, ये सबसे दूर होना बहुत ही अवश्य है। प्रभु को पाना है, माता जी को पाना है, क्या देना है हमें, माता जी तो सब कुछ लेना ही है, देने के लिए हमारे पास आई भी क्या। कई लोग सोचते हैं थोड़ा दिन के बाद माता जी के पास चले जाए, माता जी क्या करेगी आपके, आपको खुद को खड़े होने की ताकत नहीं है, तभी क्या आपका शरीर, जो शरीर में जो ताकत ही नहीं है उसके साथ में क्या आपके पास माता जी के साथ क्या कर सके। जब आपके पास शक्ति है, जब आपके पास ज्ञान है, जब आपके पास भगवान ने बुद्धि दिया है, विचार शक्ति दिया हुआ है, तभी भगवान के पास दौड़े दौड़े आना चाहिए। दुनिया की सारा आनंद जो कहा जाता है वह तो केवल
नश्वर है। जब भी माँ शाश्वत आनंद देने के लिए आगे आती है, हम एक कदम जरूर आते हैं। माता जी तो 100 कदम या 1000 कदम आगे आगे बढ़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन एक कदम आगे रखते हैं और 2 कदम पीछे हटते हैं। तो इसी प्रकार भगवान भी 10 कदम क्या 100 कदम पीछे पीछे हटते जाते हैं, फिर भी वियोग तो नहीं है। जैसे शास्त्री जी भी कथा में बार बार कहा करते हैं, भगवान तो प्राप्त है, भगवान अलग नहीं है, भगवान साथ में ही है। केवल अपनाने के लिए हमारे में एक विचार होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, विचार होना चाहिए। केवल भगवान से, माता जी से इतना ही प्रार्थना हमको करनी चाहिए कि हमें ज्ञान दे देवे, वैराग्य दे देवे। सब कुछ छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या छोड़ना है? कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं देना है, सब कुछ यहां पर ही छोड़ के ही जाना। क्या लेके जा सकते हैं हम लोग? खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। लेकिन इतना भी समझने के लिए हमारा सारा जीवनी चले जाता है। जीवन को सुधारने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए हमको सद्गुणी बनना है, सद्विचार रखना है, तभी ही हम लोग माता जी का आशीर्वाद पा सकते हैं। माता जी का जो देने वाले उस आनंद को हमेशा हमेशा के लिए हम लोग अपने साथ रखते हैं। सायरा।